everybody, welcome back to my channel Pages by Sakshi Patel. My name is Sakshi और आज हम Manual Castells के बारे में बात करने वाले हैं. इनके life sketch के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ये क्या होगा, इससे आप connect कर सकोगे इनसे, तो देखते हैं. चलिए देखो, सबसे पहली बात की ये Spanish sociologist हैं. 9 फरवरी 1942 को इनका जन्म हुआ, मतलब कि 77 years के currently ये अभी हैं. अब जैसे कि ये बड़े हुए लामांचा में, लेकिन बाद में ये बार्सिलोना चले गए और बार्सिलोना में ही इन्होंने अपनी लॉ और इकोनॉमिक्स की डिग्री पूरी की. पॉलिटिकली शुरू से बहुत एक्टिव रहे हैं, लेकिन एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते थे, इसीलिए देखा जाए कि पॉलिटिकली इतना ज्यादा एक्टिव हैं तो स्पेन से कहाँ चले गए ये, फ्रांस. पेरिस में इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की 20 साल की उम्र में, और उसके बाद यहीं पर उन्होंने सोशियोलॉजी में अपना इंटरेस्ट दिखाया. देखो, ये लॉ और इकोनॉमिक्स की डिग्री लेकर बैठे थे, लेकिन इंटरेस्ट इनका सोसाइटी में था, सोशियोलॉजी में था, और पेरिस में इनको इनका ज्ञान हुआ, और उसके बाद इन्होंने अपनी डॉक्टरेट सोशियोलॉजी में की. लेटर ही बिकेम इंस्ट्रक्टर इन सेवरल पेरिस यूनिवर्सिटीज, और 2008 से ये मेंबर हैं यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के. ओके, अब इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स देखते हैं क्या क्या रहे हैं, क्योंकि देखो ये सबको भी थोड़ा रट लेना है ना. तो वो है आपकी इंफॉर्मेशन सोसाइटी, उससे कनेक्टेड हैं, कम्युनिकेशन से, ग्लोबलाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से, नेटवर्क सोसाइटी से, अर्बन प्लानिंग और सोशियोलॉजी, और फोर्थ वर्ल्ड. कुछ कुछ मैं आपको समझाने जा रही हूँ जिसके बारे में ये कुछ ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, ज्यादा बातें करते हैं. सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं. देखो, मैनुअल कैशल्स का क्या कहना है कि आज हम इंफॉर्मेशन की एरा में रह रहे हैं, आज हमारे पास इंटरनेट है. हम क्या कर रहे हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन हैं, ये जो इंटरनेट है, नॉट एग्जैक्टली इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट के बारे में ये बाद में बोलेंगे, ये अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, सूचना के बारे में बात कर रहे हैं. इनका कहना है ये हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर एक पावर डेवलप कर देता है, एक ऐसा पावर डेवलप करता है जिसके कारण क्या होता है कि प्रोडक्शन जो है किसी भी चीज का वो बहुत ज्यादा होने लग जाता है. इससे देखो, प्रोडक्शन किसी चीज का ज्यादा होगा मतलब हमारे पास खूब सामान है, मतलब हम लोग को एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. अब हमारे पास वेकेशंस बहुत है, छुट्टियां बहुत है, तो अब हमारा सारा फोकस हम स्पिरिचुअलिटी में डाल सकते हैं, इन्वायरमेंट के अवेयरनेस में डाल सकते हैं, इससे बहुतों का भला होगा. ये एक पॉजिटिव चेंज है, और इससे क्या हो रहा है कि जो रिसोर्सेस के एक्सट्रैक्शन है, मतलब कि अगर हमें सपोज कोल चाहिए, कोयला चाहिए, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं उसे लगातार हमें एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं. हमें पेट्रोल चाहिए तो हम लगातार उस चीज को एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं. लेकिन अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन की दुनिया आ जाए, हमारे पास एक ऐसी दुनिया है जिसमें हम लोग एक दूसरे को फोन करके कुछ बातें बता सकते हैं, रादर देन ट्रांसपोर्ट कि हम यहां से लेकर वहां तक जाएं, उससे तो फोन करके बता सकते हैं ना. तो इससे रिसोर्सेस में क्या होगा, उनका एक्सट्रैक्शन में कमी आएगी, हमें बहुत ज्यादा उसे खोदने की जरूरत नहीं है, और ये एक पॉजिटिव चेंज है. और ये इन्फॉर्मेशन सोसाइटी जो है, ये एक प्रो मॉडर्न कंसेप्ट है, ठीक है. अब जैसे कि ये प्रो मॉडर्न कंसेप्ट है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैनुअल कैशल जो है ये पोस्ट मॉडर्निस्ट है ना. और ये एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद इन्फॉर्मेशन सोसाइटी आती है, ये बात ये कहते हैं. आगे बात करते हैं द इन्फॉर्मेशन एज, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर. इनका मानना है कि तीन तरीके के सोशियोलॉजिकल डायमेंशंस होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है पावर, एक होता है एक्सपीरियंस. और इनका ये भी कहना है कि इंटरनेट जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे हमारे अंदर एक कल्चर डेवलप हो रहा है जिसका नाम है साइबरनेटिक कल्चर. साइबरनेटिक कल्चर जब डेवलप हो रहा है तो ये तीन तरीके की मदद ले रहा है, पहला तो सेल्फ का, दूसरा नेटवर्क का, और तीसरा कोऑर्डिनेशन. देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया इन्होंने, सेल्फ मतलब खुद, ठीक है, और उसके बाद ये नेटवर्क धीरे धीरे बनाए जा रहे हैं, धीरे धीरे नेटवर्क बना रहे, तो यहाँ पर ढेर सारे दूसरे लोग भी सेल्फ हैं, अभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते जा रहे हैं, और एक नए थॉट्स डेवलप हो रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है. अब ये अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में क्या कहते हैं, अर्बन सोशियोलॉजी के फेवर में बहुत ज्यादा है, ये स्पेस ऑफ फ्लोज की बातें करते हैं. देखो, स्पेस ऑफ फ्लोज एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि फोकस करता है इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन पर, और ये बताता है कि ये टाइम सेव कर सकते हैं हम इन्फॉर्मेशन की मदद से, और अर्बनाइजेशन भी फास्ट रेट में होगा स्पेस ऑफ फ्लोज की मदद से. अब क्या होगा, ये फोर्थ वर्ल्ड की बात करते हैं. फोर्थ वर्ल्ड क्या होता है, जो कि ऐसी पॉपुलेशन जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड से बहुत अलग है, जैसे कि नॉमेड्स है ना, जो इधर से उधर बंजारे वाले जो होते हैं, और जो हंटर्स एंड गैदरर्स होते हैं, ये सारे लोग. और इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में मैं कहना चाहूंगी, द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, द पावर ऑफ आइडेंटिटी, द एंड ऑफ मिलेनियम, इन्फॉर्मेशन एज इकोनॉमी, पावर ऑफ आइडेंटिटी,
और इनको एक बेल्जन प्राइज मिली है सोशियोलॉजी में, तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। और बाकी इतना ही था, इतना ही इनके लिए काफी जरूरी है और इसे याद जरूर रखना। थैंक यू सो मच टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कॉमेंट्स करके बताओ कि ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, आप क्या करते हो अपने विल पावर को बढ़ाने के लिए, मेरे साथ शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं भी उन्हें कोशिश करूंगी कि अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकूं। या सो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड सी यू बाय इन द नेक्स्ट वीडियो।